खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। तो सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा ये सवाल किए गए कि जब आपके पास 1000 बसें थी तो राजस्थान और महाराष्ट्र से ट्रकों में भरकर हमारे साथियों को उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड व बंगाल क्यों भेज रहे हैं। सवाल दो, जो दूसरा ट्वीट आया उसमें औरैया में हुई दुर्घटना, सड़क दुर्घटना से पूरा देश आहत है, एक ट्रक पंजाब से और दूसरा राजस्थान से आ रहा था, क्या कांग्रेस और प्रियंका गांधी इस घटना की जिम्मेदारी लेंगी, क्या हमारे साथियों से माफी मांगेंगी। वहीं तीसरा ट्वीट करते हुए उन्होंने सवाल तीसरा पूछा कि प्रियंका गांधी जी कहती हैं कि उनके पास 1000 बसें हैं, या और बात है कि अब इन बसों की सूची तक उपलब्ध नहीं कराई गई, ना ही हमारे साथियों की, बसों और हमारे साथियों की सूची उपलब्ध करा दी जाए जिससे के कार्य ट्विटर नहीं धरातल पर दिखे। फिर उन्होंने चौथा ट्वीट किया जिसमें चौथा सवाल पूछते हुए देश भर में जितने भी श्रमिक स्पेशल ट्रेन चल रही है उनमें से आधी से ज्यादा ट्रेन उत्तर प्रदेश की आई है, अगर प्रियंका गांधी वाड्रा जी को हमारी इतनी ही चिंता है तो वो हमारे बाकी साथियों को भी ट्रेनों से ही सुरक्षित भेजने का इंतजाम कांग्रेस शासित राज्यों से क्यों नहीं कर रही है। तो ये चार ट्वीट सीएम योगी आदित्यनाथ ने किए हैं। वही बसों पर हो रही राजनीति पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि प्रवासी मजदूर भारी संख्या में घर जाने के लिए गाजियाबाद के रामलीला मैदान में जुटे हैं, यूपी सरकार से कोई व्यवस्था ढंग से नहीं हो पाती है, यदि एक महीने पहले इसकी व्यवस्था को सुचारू रूप से किया जाता तो श्रमिक को इतनी परेशानी नहीं झेलनी पड़ती। कल हमने 1000 बसों का सहयोग देने की बात कही, बसों को उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर लाकर खड़ा किया गया जो यूपी सरकार को राजनीति सूझती रही और हमें परमिशन तक नहीं दी गई। विपदा के मारे लोगों को कोई सहूलियत देने के लिए सरकार ना तो तैयार है ना कोई मदद दे रहा, देने से इनकार है।